दोस्तों, यम स्क्वेयर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीएसएस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है एनिमेशन प्रॉपर्टी। इसके बारे में जानेंगे किस तरह हम वेब पेजेस के अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इससे पहले, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप HTML, CSS, JavaScript को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आने वाले तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए अब हम देखते हैं एनिमेशन के बारे में। ये एनिमेशन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इसके जरिए से कि हमारा वेब पेज और भी ज्यादा स्टाइलिश लगे, और भी अच्छा उसका लुक अच्छा लगे। इसके लिए इसके जरिए से हम ये नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमारे HTML का जो एलिमेंट है उसका स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो। एक हमने देखा था H4 प्रॉपर्टी। H4 के अंदर क्या होता है, जब हम माउस उसके ऊपर लेके जाकर रखते हैं कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो वहां पे हम जो चाहिए उसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह नहीं, वही ऑटोमेटिक, एक हम टाइम दे उस टाइम के अंदर उसका स्टाइल चेंज हो, कलर चेंज हो, या उसका हाइट चेंज हो, या उसे का बॉर्डर चेंज हो, इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो, उसके लिए हम ये एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसके जरिए से हम एक प्रॉपर्टी को कितने भी बार चाहे हम चेंज कर सकते हैं, या हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसे अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम की फ्रेम इसके अंदर, ये एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन के अंदर, इसे हम यूज करते हैं। चलिए इसके अंदर आने वाले अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर आते से एक होता है की फ्रेम्स। ये यहाँ आप देख सकते हैं, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स ये हम लिखते हैं। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमें चेंज करना है वो प्रॉपर्टीज को इसके अंदर हमें डिफाइन करना होगा। अगर इसके अंदर डिफाइन नहीं करें तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ये है। उसके बाद एनिमेशन नेम, एक एनिमेशन का नेम होगा, एक एनी उसका एनिमेशन के वास्ते एक ड्यूरेशन देना होगा, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन इटरेशन काउंट, मतलब जो एनिमेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितने बार हो रिपीट, एनिमेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो, इस तरह से ये 100 प्रॉपर्टीज एनिमेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर ये एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं जिस एलिमेंट को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं, उस एलिमेंट के क्लास हो या डिवीजन हो उसके अंदर ही लिखते हैं। ये अटक्री की फ्रेम्स, इसे एक अलग से हम लिखते हैं, इसके अंदर जो चेंज करना चाहते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। चलिए प्रैक्टिकली हम इसे देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल एक HTML पेज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैंने डिवीजन बनाया है, उस डिवीजन को नाम दिया है क्लास नेम डेमो। यहाँ पे उसका CSS प्रॉपर्टी हम ये style.css के अंदर लिखे हैं, उसका लिंक यहाँ पे हम ऐड किए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे style.css के अंदर मैंने इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे CSS ऐड किया है, बॉर्डर, उसका विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, उसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका आउटपुट है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब हम इसे एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम्पल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए चलिए हम देखते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इनिशियली हम बैकग्राउंड कलर ब्लू दिए हैं, तो इसके लिए एक नेम देना होगा हमें, एनिमेशन नेम। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम की, एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम हम देंगे, एग्जाम्पल मैं ही दे रहा हूँ, स्टाइल्स, जो भी नाम हम दे सकते हैं स्टाइल्स नाम दे रहा हूं। अब चलिए इसके हम डिफाइन करते हैं एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स के अंदर, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स जो एनिमेशन नेम हम यहाँ पे दिए हैं वो नेम यहाँ पे देना होगा, स्टाइल्स, स्टाइल्स नेम फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे हमें देना है, सबसे पहले इसके अंदर और दो वैल्यूज आते हैं, एक है फ्रॉम और एक है टू, फ्रॉम और टू। फ्रॉम के अंदर जो इनिशियली जब जैसे ही पेज ओपन होगा तो क्या होना चाहिए, टू वो किस तरह से चेंज होना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू ही रहे, ओपन करते ही ब्लू कलर रहे, ये है टू, वो चेंज किस तरह होना चाहिए, एग्जांपल बैकग्राउंड कलर रेड को चेंज होना चाहिए, रेड कलर दे रहे, रेड कलर।
देखिए अब हम जाके देखेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम ऐड किए हैं इसके बावजूद, क्योंकि इससे हम ड्यूरेशन ऐड करना पड़ेगा, एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन अगर नहीं दिए, बाई डिफॉल्ट एनिमेशन ड्यूरेशन होगा 0 0 सेकेंड्स, 0 मतलब कुछ भी इफेक्ट ही नहीं होगा। अब एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने 3 दिया है, अब चलिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए 3 सेकेंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर रेड को चेंज हुआ, फिर ब्लू पे आ गया। और एक बार देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए बैकग्राउंड कलर रेड चेंज हुआ, फिर नॉर्मली हो गया। और रेड नहीं, हमें देना चाहिए येल्लो, कुछ और कलर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं येल्लो। रिफ्रेश करेंगे, देखिए ब्लू से येल्लो में कलर चेंज हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल ब्लू पे आ गया। ये है एनिमेशन प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से सेम ये डिवीजन को हम एक काम करेंगे, इसका मार्जिन चेंज करना चाह रहे हैं। मार्जिन ये यहां से हम लाना चाहते हैं इसे सेंटर में, तो अब क्या कर रहे हैं, इनिशियली इसका मार्जिन उतना ही रहे, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसका मार्जिन लेफ्ट मैं दूंगा 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। अब देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं तो कलर भी चेंज होगा, इसका मार्जिन भी चेंज होगा, 300 पिक्सल आया, फिर रिवर्स हो गया। ये था दो प्रॉपर्टी, एक था एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, इसके अंदर फ्रॉम और टू। अब यहाँ पे आप और एक चीज अच्छी तरह समझ लिए, फ्रॉम मतलब बिगिनिंग, टू मतलब उसका एंडिंग होगा। ये फ्रॉम टू के अलावा हम इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज स्टार्टिंग को हम 0% देंगे, 0%, टू को हम देंगे 100%, 100%। चलिए अब रिफ्रेश कर रहे हैं, सेम इफेक्ट होगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा। और एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए ये था एनिमेशन नेम ड्यूरेशन। अब और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ये एनिमेशन अब पहले ब्लू से येलो हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। इस तरह से हम चाहते हैं ये एक मल्टीपल टाइम्स हो, उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं एनिमेशन इटरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट मतलब कितने बार वो होना चाहिए। एनिमेशन इटरेशन काउंट फॉर एग्जांपल मैं 3 दे रहा हूँ, मतलब 3 टाइम्स ये रिपीट हो। चलिए अब देखते हैं इसे, देखिए चेंज हुआ, फिर वापस गया, सेकेंड टाइम वापस, थर्ड टाइम, ये था इटरेशन काउंट। हमें कितने बार करना चाह रहे हैं उतने टाइम हम यहाँ पे दे सकते हैं, 3 के अलावा समझिए 5 टाइम्स देना चाहते हैं, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये इटरेट होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। अब इसके बाद नहीं होगा, ये था एनिमेशन इटरेशन काउंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके अलावा नहीं, ये रिपीटेडली होते ही रहना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं इनफाइनाइट। एनिमेशन इटरेशन काउंट की एक वैल्यू इनफाइनाइट अगर हम दे देंगे तो वो रिपीटेडली होता ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइटली वो कंप्लीट होता ही रहता है। देखिए कुछ भी काम कहीं पे भी वो स्टॉप नहीं होगा, होता ही रहेगा, ये है एनिमेशन इटरेशन काउंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे, और एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, एनिमेशन डायरेक्शन देखेंगे अभी। एनिमेशन डायरेक्शन मतलब ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो, एनिमेशन डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली वो स्टार्टिंग पोजीशन लेफ्ट ही है, नहीं इसे हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज आते हैं। अब एक है रिवर्स, रिवर्स प्रॉपर्टी, रिवर्स। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉर्मली लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स दे रहे हैं तो राइट से स्टार्ट होगा, देखिए राइट से स्टार्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, इस तरह से रिवर्स है। और एक प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट भी हम दे सकते हैं, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट रिवर्स देंगे तो देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट मतलब मैं आपको पहले ये मिटा के बताता हूँ, रिफ्रेश। नॉर्मली हम कुछ भी नहीं दिए तो लेफ्ट से राइट को आ रहा है, फिर इमीडिएट लेफ्ट को जा रहा है, फिर राइट को आ रहा है,
इस तरह से ये हो रहा है। अगर यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन हम अल्टरनेट देते हैं, अल्टरनेट रिवर्स तो हम देख लिए, रिवर्स मतलब जो यहाँ पे 100% या 2 पे हम दे रहे हैं, ये 100% यहां से स्टार्ट होके ऐसे आएगा। अल्टरनेट मतलब एक बार इधर से आएगा, एक बार इधर से आएगा। अब देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये है अल्टरनेट एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। या हम इस तरह देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रहा है, नहीं स्टार्टिंग राइट से हो, इसके लिए हम दे सकते हैं राइट से, मतलब ये 100% के अंदर हम जो ऐड किए हैं यहां से स्टार्ट हो, इसके लिए हम दे सकते हैं अल्टरनेट रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स। देखिए अब रिफ्रेश कर रहा हूं तो इधर राइट से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग, मतलब मार्जिन, मार्जिन हम क्या दिए थे लेफ्ट 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल से स्टार्ट होगा। बैकग्राउंड कलर हमने येलो दिए थे तो पहले बैकग्राउंड कलर येलो होगा। देखिए फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये। इसी तरह और एक प्रॉपर्टी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, विड्थ हम चेंज करेंगे, इसका काम करेंगे, इसका विड्थ हम देंगे 300 पिक्सल, ठीक है 300 पिक्सल ही देंगे, तो आप इसे भी अच्छी तरह समझ सकते हैं किस तरह से काम करेंगे। देखिए विड्थ 300 पिक्सल, फिर नॉर्मल, फिर 300 पिक्सल नॉर्मल, ये मतलब अल्टरनेट हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट को जा रहा है, राइट से लेफ्ट, मतलब 100% से 0%, 0% से 100%। ये था एनिमेशन डायरेक्शन। आज हम सिर्फ इतने ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक है एनिमेशन ड्यूरेशन, सबसे पहले एनिमेशन नेम, उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, ये चार प्रॉपर्टीज हम देखे हैं। बाकी प्रॉपर्टीज हम दूसरे वीडियोस में उसके बारे में देखेंगे। अब इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, ये है एनिमेशन, एनिमेशन सिर्फ एनिमेशन हम रखेंगे, एनिमेशन जी, ये एनिमेशन यहाँ पे आप ये इतने प्रॉपर्टीज अलग अलग यूज किए हैं, इसके अल्टरनेट में हम पूरे एक ही एनिमेशन के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आएगा एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम क्या है स्टाइल्स, उसके बाद आएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स दे रहा हूँ, इसके बाद आएगा एनिमेशन इटरेशन काउंट दे सकते हैं, इटरेशन काउंट क्या दे रहे हैं हम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 3, ये मिटा देंगे, सिर्फ हम 3 ही रखेंगे, बात चेक करें, देखिए तीनों मिला के मैंने एक ही में दिया है। अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है ये था एनिमेशन के अंदर ही। अब हम एनिमेशन डायरेक्शन भी देना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन भी इसी के अंदर दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ रिवर्स, रिवर्स दे रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहे हैं तो इधर राइट से स्टार्ट होता चला जाएगा, देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है 100% से। ये था एनिमेशन प्रॉपर्टी, हम किस तरह से यूज करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर आज हमने देखा है एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन, इतने प्रॉपर्टीज, और 8 की फ्रेम्स के अंदर 0%, 100% या फ्रॉम टू, ये दो हमें दे सकते हैं। अब इसके अंदर जितने हम प्रॉपर्टीज, जितने हम स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं सब हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अंदर हम वो सब ऐड कर सकते हैं। ये था एनिमेशन के अंदर। अगले वीडियो में हम इसी के अंदर एक ही इसके अंदर अलग अलग 0% है, उसके बाद 25% या 50%, इस तरह से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज हम एक ही स्टाइल के अंदर देना चाह रहे हैं तो कैसे दे सकते हैं उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा प्लीज आप कमेंट के अंदर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।